गाइस, IRCTC के द्वारा किसी भी ट्रेन के टिकट बुक करना बड़ा ही दिक्कत वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो मैं आपको अमेजोन के थ्रू आज ट्रेन की टिकट लाइव बुक करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको अपना अमेजोन जो भी ऐप है उसे ओपन कर लेना है और उसमें अमेजोन पे पर जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके साइड में आइए, आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक्सप्लोर ऑल पर, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको कई सारे बिल पेमेंट्स के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको बुक टिकट्स वाले ऑप्शन में जाना है, जहाँ पर आपको फ्लाइट बस ट्रेन दिखाई देंगी। यहाँ पर ट्रेन पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले उस स्टेशन का नाम डालिए जहाँ पर आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, जैसे कि मैंने डाल रखा है कोडेड्रम। और उसके बाद मेरे को जाना है अजमेर, तो लास्ट स्टेशन होगा मेरा अजमेर। और उसके बाद किस डेट में आपको जर्नी स्टार्ट करनी है वो भी सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं 28 मई को जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फाइन ट्रेन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही फाइंड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो भी ट्रेन्स होगी अवेलेबल वो दिख जाएंगी। ये है अवेलेबल 2S सेकेंड वाली सीट वाली, इस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं, इसमें 51 सीटें अवेलेबल हैं। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। आगे का प्रोसेस आ गया है, IRCTC की यूजर आईडी डालना है, जो कि अकाउंट बनाया होगा आपने IRCTC में, तो वही आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको ऐड न्यू ट्रेवलर्स पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करना है। और उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। जिसका मतलब, मेल का मतलब होता है अगर आदमी है तो मेल, औरत है तो फीमेल, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो ट्रांसजेंडर, मतलब दोनों कॉमन वाले। और उसके बाद आपको अपनी एज सेलेक्ट करनी है, जो भी एज हो वो वहाँ पर आप अपना लिख लीजिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको आपकी अपनी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही होगी। उस इन डिटेल्स के अलावा आप भी थोड़ा सा जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनी बर्थ, मतलब कि किसी भी बर्थ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर ऐड न्यू ट्रेवलर्स, मतलब आपके अलावा अगर और किसी को भी जाना है तो उसकी टिकट बुक कर सकते हैं। अगर एडिशनल प्रेफरेंस में देखें तो आप यहाँ पर कोच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर ये ऑप्शनल है, इस पर क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो नीचे आते हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए पूरी डिटेल्स ऊपर से नीचे तक। अगर चाहें तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ईमेल आईडी। उसके अलावा आपको यहाँ पर पिन कोड डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा और सिटी का नाम भरना पड़ेगा जहाँ पर आप रहते हैं। उसके अलावा आपको अपना स्टेट भी सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपका जो भी राज्य हो। उसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस, मतलब कि डाक वाला पता जो है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उसके बाद इतनी सारी डिटेल जो है वो फिलअप हो जाए तो आपको जो बॉक्स दिख रहा है इन पर टिक वाला जो निशान है उस पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आप प्रोसीड करें, आप पूरी डिटेल्स को एक बार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से देख लें, क्योंकि कहीं पर भी गलती हुई तो बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए एक बार आप बाकायदा अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कोई गलती ना हो, बाद में टीटी जो दिक्कत ना करे। फिर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना अगर पासवर्ड याद है तो आई रिमेम्बर माई पासवर्ड क्लिक कीजिए, नहीं तो रीसेट माई पासवर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 388 रुपये की पेमेंट मुझे करनी है, जिसमें 19.43 का कैशबैक मुझे मिलेगा। अमेजॉन पे में तो बैलेंस है नहीं, तो मैं अपने बैंक की UPI सेलेक्ट करूंगा और पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। और पे नाउ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, थोड़ा सा समय लगेगा और आपको अपना UPI पिन नंबर्स अब डालने का बारी आ गया है। यहाँ पर UPI पिन सही डालकर वाले निशान पर क्लिक करेंगे, आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर अब आपको पासवर्ड डालना है, जो IRCTC का था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड जो आपको नीचे ये दिख रहा है 6DUXT,
इसी को यहाँ पर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही सबमिट पर मैंने क्लिक किया, मेरी जो टिकट है वो बुक हो चुकी है भाई। ये मेरी टिकट जो है बड़ी आसानी से बुक हो गई है, ज़्यादा कोई झंझट वाला काम नहीं था। अगर यही काम मैं IRCTC में करने बैठता तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बहुत ही स्लोली काम किया है, वरना बहुत ही कम समय में ये आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही आसानी से ये काम किया जा सकता है। घर बैठे अपने मोबाइल से आप अपनी ट्रेन की टिकट कभी भी कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। जो IRCTC का अकाउंट जिसने बनाया है उसकी आपको ID चाहिए और पासवर्ड चाहिए। उसके थ्रू आप अपने अमेज़न अकाउंट से टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप करके बाकायदा लाइव दिखाया है, ताकि आप भी घर बैठे अपने किसी भी दोस्त परिवारजनों की हेल्प कर सकें टिकट बुकिंग करने में, ताकि इस पैंडेमिक समय में लोगों की मदद हो सके। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, टिकट बुकिंग हो नहीं रही है, सभी कैफ़े जो है वो लगभग से बंद हैं और लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है।